Hey guys, welcome to my YouTube channel. आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में. आई होप आप सभी मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ. और अभी मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ठीक 10 बजे से. ठीक 10 बज रही है और 10 बजे से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है. और आज मैं जा रही हूँ गांव. आपको गांव का व्यू दिखाऊंगी. आज हमारे गांव में पूजा है. आपको सब कुछ दिखाऊंगी क्या क्या है. सो मैं तैयार हो चुकी हूँ और नानू के मैं तैयार हो गई हूँ और बस बैग पैक कर रही हूँ. उसके बाद चलते हैं. पहले हम कीर्तनगर जाएंगे. वहाँ मैं स्कूटी खड़ी कर दूँगी और अभी मैं मम्मी के साथ जाऊँगी घर से और वहाँ स्कूटी रखूँगी. वहाँ से कार में जाऊँगी भाई के साथ. जैसे जैसे प्लान बनेगा वैसे वैसे जाएंगे. अभी फ़िलहाल प्लान यही है कि मैं स्कूटी कीर्तनगर रखूँगी और वहाँ से भाई के साथ जाऊँगी. तो आपको बताते रहेंगे. आप मेरे ब्लॉग में बने रहना. सो फाइनली मैं कीर्तनगर पहुंच चुकी हूँ. क्योंकि मैंने स्कूटी चलाई इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई आप लोगों के लिए. और ताई लोगों के यहाँ मैं आ चुकी हूँ. यहाँ से साफ दिख रहा है और यहाँ से ब्लर हो गया. थोड़ा धूप चमक रही है इसलिए. तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. देख सकते हो मेरे भाई ताऊ जी मम्मी और ताई इधर बर्तन धो रही है. देख सकते हो आप. ये पंकू भाई का घर है. और हम यहाँ से जाएंगे गाड़ी में घर. स्कूटी यहीं रख दी है क्योंकि भाई लोगों ने बोला था कि गाड़ी में चलेंगे सब साथ में. ये रही हमारी गाड़ी इसमें चलेंगे. चलो नीचे चलते हैं. मैं आपको व्यू दिखाने के लिए इसलिए छत पे आई थी. और अब हम नीचे चलते हैं. आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहना. मैं आपको गांव का व्यू पूरा दिखाऊंगी ठीक है. ये देख सकते हो आप. इतने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे मेरे भाई लोगों ने यहाँ पे ताऊ जी लोगों ने. ये देखो कितना प्यारा लग रहा है. तो मैं और भैया गंगा जल लेने चल रहे हैं घर के लिए. ये हमारे हाथ में पीपा. इसको लेके जाएंगे और देख सकते हैं क्या हो गया. तो गढ़वाली लोग हैं हम. गढ़वाली में अभी कर सकता हूँ मैं घूम जाएगी. यहाँ से हम नीचे जाएंगे. ये रास्ता बन रहा है शायद यहाँ पे. और ये है ये देखिए
मेरे को प्लेट देना लग चुका है करके बैठ करनी तो मैंने नहीं पाया रुपी हम ले चलो ठीक है सर जाने पर ये तो बंदा आया को किया है मैं और मैंने कहा ना मैं तो पापा से बात करता हूं जाके मैं चले आज भी आया ठीक है भाई और ड्राइवर को अरे अरे इसका रास्ता कैसे चलाते चलाई जाके थोड़ा ढक लगे और देख सकते हो सब लोग वहाँ पे खड़े हैं और भाई मेरे हाथ से पीपल की चिल्ला थोड़ी सांस फूल गई ना थोड़ी चढ़ाई थी ना इसलिए देखो ताऊ जी भी आ चुके हैं मार्केट गए थे देख सकते हो आप मैं पहुंच चुकी हूँ अपने गांव यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ये देखो लोगों ने भैया लग गया है ना ये पीले पीले हाँ था ये देख सकते पीले पीले फूल सबको पता है कितने प्यारे लगते हैं यहाँ पे गाँव में इनकी अलग ही चमक रहती है और ये हमारे गाँव की गाड़ी पहले बहुत घूमती थी यहाँ पे अब नहीं आती अब टाइम नहीं मिल पाता गाँव चौरा गाँव हमारा यह है मंदिर फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ यह हमारा घर देख सकते हो यह हमारा गांव का घर और ये देख सकते हो अभी मैं सो के उठ रही हूँ दिन में खाना खाने के बाद सो गई थी और अभी उठ रही हूँ थोड़ी देर पहले और अभी मैं छत में हूँ और अभी हो रहा है 5:30 आपको शाम का व्यू दिखाती हूँ मैं यहाँ पे तो यहाँ पे उधर के साइड थोड़ा थोड़ा धूप दिख रही है बट यहाँ पे छाव हो चुकी है मेरी ताई बैठी वहाँ पे देख सकते हैं ये गाड़ है हमारे यहाँ की और चाची पानी भर दिए यहाँ पे और हमने ले लिया है धनिया खेत से और देख सकते हैं दूध दूध के ले जाएंगे हम चाची के साथ आपको हम अपनी भैंस भी दिखाएंगे जी पानी पानी ना हम अपनी भैंस के पास जाएंगे अपनी भैंस के पास हेलो हेलो अभी रोना है तू मैं दवा तो नहीं मैंने कहा पिटाऊँ यहाँ से वैसे छत दिख जाती है हमारी बट अभी आपको दिखेगा नहीं और ये हमारा छोटा सा मंदिर है ये अभी बड़ा बनेगा क्योंकि एक्चुअली मेरी पहले जब पूजा हुई थी हमारे यहाँ पे तो उस कारण यहाँ पे स्थापित हुआ था ये मंदिर तो अब यहाँ पे बड़ा मंदिर बनेगा यहाँ पे अभी बनेगा ताकि लोग बनवाएंगे अभी क्योंकि अंधेरा हो चुका है इसलिए यहाँ पे से घर
चुकी हूँ और देख सकते हो आप ये है कि मैं भी लेके आ चुकी हूँ बैग का। और अभी हम आपको थोड़ी देर में मिलेंगे, थोड़ा काम करेंगे क्योंकि थोड़ा पूजा की तैयारी करनी है थोड़ी बहुत, तो हम आपको मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। आप बने रहना मेरे ब्लॉग में। इसलिए थोड़ा देर हो गई थी और मैं ब्लॉग